वी आर डूइंग इन्फ्एंशियल स्टिस्टिक्स एंड वी आर वी विल भी टॉकिंग अबाउट एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन प्रामीटर्स फ्राम आर सैम्पल स्टिस्टिक हमने बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं हम कि हम पॉपुलेशन uh, को आइडेंटिफाई करते हैं और पूरी पॉपुलेशन को हमें स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता इसलिए हम उसमें से एक uh, representative सैम्पल निकालते हैं उस सैम्पल को हम स्टडी करते हैं उस पर हम स्टेटिस्टिक्स uh, उसके निकालते हैं और उससे फिर हम एस्टिमेट uh, करते हैं कि पॉपुलेशन का मीन क्या होगा या उसका पैरामीटर पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या होंगे हमने ये भी बात की है कि जब भी हम कोई सैम्पल निकाल के उसका स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे जैसा मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन या प्रोपोर्शन तो हम उसमें फ़र्क होगा वो कभी भी uh, मतलब देर इज़ वेरी रेयर चांस कि वो एग्जैक्टली exactly आपकी पॉपुलेशन के बराबर आ जाए ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो फ़र्क आएगा आपके पापुलेशन पैरामीटर से और इसी को हमने बात की थी कि जितना ज़्यादा आपके सैंपल स्टैटिस्टिक का पॉपुलेशन पैरामीटर से फ़र्क होगा सैम्पलिंग एरर आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी सो सैम्पलिंग एरर बेसिकली इज अ डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ अ सैम्पल एंड एक्चुअल मीन ऑफ द पॉपुलेशन सो डिफरेंस ऑफ साम्पल स्टेटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर Uh, इसमें एग्ज़ाम्पल हमने दी हुई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एवरेज आई क्यू फॉर द साम्पल ऑफ़ ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स इज़ नॉट द सेम एज़ द ओवरऑल मीन आई क्यू ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन स्टूडेंट पॉपुलेशन हम पाकिस्तान में फर्स्ट करें यंग डोलोसेंस के ऊपर फाइंड आउट करना चाहते हैं जैसे आई मेथर रिसर्च की वॉज़ फ्राम यू के ही स्टार्टिंग के ही वॉन्टेड टू यू नो लर्न मोर अबाउट जो बच्चे मदरसा में हैं उनका आई क्यू किस तरह से है सो द पॉपुलेशन इज़ वेल डिफाइंड लाहौर सिटी के अंदर जितने मदरसा हैं उसके अंदर बच्चों को स्टडी करें अगर उसके सैम्पल में आई फर्स्ट करें 90 आया है तो एग्जैक्टली exactly पूरी पॉपुलेशन का आई क्यू नहीं होगा बल्कि मे बी दैट्स अ डिफरेंट वैल्यू सो देर इज ऑलवेज मोस्ट लाइकली सेम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें फर्क होगा और वो देर विल बी अ डिफरेंस और उसी डिफरेंस को हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम अगर एक पॉपुलेशन में से सैम्पल्स निकालते जाएं मसलन यही मैं मदरसा वाली एग्जांपल देती हूँ कि लाहौर के सारे मदरसे जहाँ पे बच्चों को क़ुरान पढ़ाया जाता है वो मेरी पॉपुलेशन है और मैं उनमें चेक करना चाह रही हूँ कि बच्चों की कॉगनेटिव एबिलिटीज़ कैसी हैं सो आई आस्क ईच वन ऑफ माई स्टूडेंट टू गेट अ थर्टी सैम्पल एन साइज थर्टी एंड रिपोर्ट इन आई टू मी अब क्या करेंगे कि वो थर्टी बच्चे डिफरेंट मदरसों को डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स लगा के अप्रोच करेंगे थर्टी थर्टी बच्चों को वो टेस्ट देंगे आईक्यू का एंड दे विल रिपोर्ट अ मीन ऑफ दोज थर्टी पीपल ऑफ़ दैट सैम्पल टू मी सो मोस्ट लाइकली वैल्यूज विल बी डिफरेंट अक्रॉस ऑल फिफ्टी स्टूडेंट मेरी क्लास में पचास बच्चे हैं फिफ्टी के फिफ्टी को मैंने कहा है कि आप uh, uh, ट्वेंटी फाइव ईच बच्चों का सैम्पल निकाल के उसका आई क्यू कैलकुलेट करके लाएँ सो जब मैं उन सारे मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करूंगी तो दैट वुड बी अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल स्टेटिस्टिक्स जैसा हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए थे जो कि रॉ स्कोर्स के ऊपर थे जो कि एक्स स्कोरस के ऊपर थे और उनकी फ्रिक्वेंसीज हमने कैलकुलेट की थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन instead of raw scores we have sample statistics in that like mean or standard deviation so a sampling distribution is a probability distribution of statistic or statistic of statistic versus parameter statistics sample ki characteristics a mean standard deviation proportion uh, so it's a distribution of a statistic obtained from a larger number of samples

म्यू आपका परामीटर ये है अब आपने इस मीन से आपने परामीटर एस्टिमेट करना इसी तरह आपने एक और सैंपल निकाला है और उसका भी आपने स्टैटिस्टिक मीन निकाला है और उससे भी आप पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो कितना होगा इससे भी अच्छा है कि फर्स्ट करें आपकी पूरी पॉपुलेशन जो है फर्स्ट करें लेट्स डू इट वेरी ब्रीफ और मैं फर्स्ट करें ये मेरी पूरी पॉपुलेशन जो है वो है वन टू थ्री ये तीन स्कोर मेरी टोटल पॉपुलेशन है और इसमें से मैंने सैंपल्स दो दो के निकालने हैं तो so, पहला सैंपल फर्स करें मैं निकालती हूँ वो आ गया वन और टू दूसरा सैंपल मैंने निकाला है वो आ गया वन एंड थ्री जस्ट सपोजिंगली राइट इसमें से मेरे कितने पॉसिबल सैंपल्स निकल सकते हैं टू टू के थ्री रेज टू पावर टू विच इज़ इक्वल टू नाइन नाइन पॉसिबल सैम्पल्स मेरे इसमें से निकल सकते हैं इन थ्री ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर ये विद रिप्लेसमेंट है यू रिमेंबर इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हमने बात की थी विद रिप्लेसमेंट जब एक आप निकालते हैं और फिर उसको वापस डाल देते हैं और फिर आप उसमें से रेंडमली ड्रॉ करते हैं अब इस पॉपुलेशन की अगर आप म्यू कैलकुलेट करें तो इट इज़ इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री विच इज़ इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स बाई थ्री विच इज़ इक्वल टू टू सो एक्चुअल पॉपुलेशन की जो म्यू या मीन है वो टू है अब आपने पहला सैम्पल निकाला है और इसकी मीन आपकी कितनी आएगी टू प्लस वन थ्री थ्री डिवाइडेड बाई टू इज़ वन पॉइंट फाइव इसी तरह थ्री प्लस वन आपने निकाला है विच इज़ फोर फोर डिवाइडेड बाई टू तो मीन कितना हो जाएगा टू इसी तरह आप उसमें से नाइन साम्पल्स निकाल लेंगे और नाइन सैंपल्स कैसे निकालेंगे वो अगर विद रिप्लेसमेंट है तो पहला सैंपल आएगा वन 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 टू वन थ्री टू को ले लें टू वन टू 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 थ्री थ्री को ले लें थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री सो दिस इज़ ऑल पॉसिबल सैंपल्स फ्रॉम दिस वेरी स्मॉल पॉपुलेशन और अब हम इनके आगे से मीन्स निकालेंगे हर सैंपल के और साम्पल का वन प्लस वन अगर मैं मीन निकालूंगी वन प्लस वन डिवाइड बाई टू विच इज़ इक्वल टू वन टू प्लस वन डिवाइडड बाई टू विच इज़ इक्वल टू वन पॉइंट फाइव इसी तरह थ्री प्लस वन फोर फोर डिवाइडेड बाई टू हम मीन निकाल रहे हैं ना मीन हमेशा सबको जमा करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन पे डिवाइड कर देते हैं ये थ्री और वन फोर है और टोटल नंबर टू है तो फोर डिवाइडेड बाई टू विच इज़ टू टू प्लस वन थ्री थ्री डिवाइडेड बाय टू व्हिच इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव और इसी तरह इसका मैं मीन निकालती जाऊंगी व्हिच इज इक्वल टू और ये आ जाएगा थ्री अब ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो बना है एक्चुअली दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन राइट ये मेरा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स है और इसको और भी फ्रीक्वेंसी टर्म में हम करने के लिए मैं इस तरह भी कर सकती हूँ कि मैं लिखूं के ये मीन्स है आप यहाँ पे रॉ स्कोर की बजाय मेरे पास मीन्स होंगे मीन एंड फ्रीक्वेंसी एंड प्रॉबोबिलिटी वन वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव और थ्री और इसकी फ्रीक्वेंसी है एक दफ़ा आया है ये टू टाइम्स आया है ये थ्री टाइम्स आया टू पॉइंट फाइव भी टू टाइम्स आया है और थ्री वन टाइम आया और इसकी प्रॉबिलिटी अगर निकालनी हो तो आप देखें कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से भी डायरेक्टली आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं यानी वन आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपकी इस पॉपुलेशन में से कोई भी सैंपल निकालें तो उसमें आपके सैम्पल की मीन वन आए इसकी प्रोबेबिलिटी वन बाई नाइन है क्योंकि टोटल नाइन है तो ये वन बाई नाइन हो जाएगी वन पॉइंट फाइव मीन आने की प्रॉब सो सपोज करें कि बड़े लेवल के ऊपर एक पॉपुलेशन है और मैंने एस्टिमेट करना है कि इसमें से लोएस्ट मीन आने की और हाईएस्ट मीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जैसे तो मैंने अभी एग्जांपल दी है कि मदरसे वाली कि आपके अगर इतने सारे मदरसाज लाहौर में हैं और हर बच्चे ने इंडिविजुअल 25 25 बच्चों का सैंपल लेके उनका आईक्यू टेस्ट करके मुझे मीन रिपोर्ट करना है तो वो मीन कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकती है और कितने सैंपल्स ऐसे होंगे जिनका एक्चुअल मीन के क्लोज़र मीन होगा सो so, इसमें हम उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं वन पॉइंट फाइव मीन आने की प्रॉबलिटी इस प्रो के अंदर दैट इज टू बाई नाइन थ्री बाय नाइन टू बाय नाइन एंड वन बाय नाइन और इसको आप फिर प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं सो दिस इज एक्चुअली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है लेकिन हमने यहाँ पे एक्स की बजाय मीन रखा है मीन्स और इसी को हम प्लॉट भी कर सकते हैं जैसा हमने पहले कर्व बनाया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इसी तरह सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी आप प्लॉट कर सकते हैं वन वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव और थ्री वन कितनी दफ़ा आया है? ये फ्रीक्वेंसी है वन टू एंड थ्री तो ये वन दफा आया है ये आपका वन पॉइंट फाइव टू टाइम्स आया है आपका टू थ्री टाइम्स आया है आपका टू पॉइंट फाइव टू टाइम्स आया है और थ्री वन टाइम आया सो दिस इज़ sampling distribution of means again and you can estimate the probabilities by just looking at distribution or this graph so again uh, look at the definitions the distribution of sample means it is co uh, collection of sample means for all the possible random samples of a particular size that can be obtained from a population so hum kisibi population me say all possible samples do nikal और उन सब सैंपल्स का जब मीन निकाल के उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स कंटेन ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ऑल द पॉसिबल सैम्पल्स इट इज नेसेसरी टू हैव ऑल ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज टू कंप्यूट प्रॉबलिटीज ऑल्सो क्योंकि जैसा आपने अभी बताया है कि हम हर वैल्यू के लिए अलग अलग प्रॉबलिटी भी कैलकुलेट करके उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्लॉट कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल इफ द एंटायर सेट कंटेन्स एक्जैक्टली हंड्रेड सैम्पल्स देन द प्रोबिलिटी ऑफ अपनिंग एनी स्पेसिफिक सेम्पल इज़ वन आउट ऑफ हंड्रेड हमने जब शुरू किया था ये चैप्टर तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉबिलिटी कि हेल्पस कि किस तरह का सैम्पल हम निकालेंगे और किसी खास तरह का सैंपल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उस पॉपुलेशन में से तो अगर हमें पता है कि एक पॉपुलेशन में से मैक्सिमम सैंपल्स हंड्रेड तरह के निकल सकते हैं या हंड्रेड निकल सकते हैं तो उसमें से फिर हम किसी भी एक सैंपल की प्रॉबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ टेन बाई सेलेक्टिंग ऑल द पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ अ स्पेसिफिक साइज़ फ्रॉम अ पॉपुलेशन जब भी हमने देखा भी है और हमने बात भी की है कि हम किसी भी स्पेसिफिक साइज़ का सैम्पल निकाल सकते हैं उस पॉपुलेशन के अंदर से जैसा हमने टू टू का सैम्पल निकाला है हम फोर फोर का निकाल सकते हैं हम टेन का निकाल सकते हैं हम ट्वेंटी का निकाल सकते हैं जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दी मदरसा की उसमें पच्चीस पच्चीस बच्चों का मैंने हर बच्चे को कहा कि लाहौर सिटी के मदरसों में से गेटिंग ट्वेंटी फाइव डॉल्स ईच एंड कैलकुलेटिंग द आई क्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ अंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन फैक्ट इट ऑफन इज कॉल्ड अंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स सो अगर हम सारे सैम्पल्स का मीन निकालें और उन सारी मीन्स को हम प्लॉट करें और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो दैट इज सैप्लिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन सो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की सैम्पल मीन्स शुड बी रिलेटिवली क्लोज टू द पॉपुलेशन मीन नंबर टू द पायल ऑफ सैम्पल मीन्स शुड टेंड टू फॉर्म अ नॉर्मल शेप जैसा अभी आपने देखा भी है कि उसकी शेप जैसे जैसे हम एन साइज़ बढ़ाते जाते हैं उसकी शेप नॉर्मल के क्लोजर होती जाती है लार्जर दाम्पल साइज द क्लोजर सैम्पल मीन्स शुड भी टू द पापुलेशन मीन जितना सैम्पल साइज लार्ज होगा उसकी जो सैम्पल स्टेटिस्टिक है दैट विल बी मोर क्लोजर टू द पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन परामीटर क्यों क्योंकि जब हम ज्यादा इंडिविजुअल्स उसके अंदर ले आएंगे तो हम ज्यादा अच्छी तरह से अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन के परामीटर को कर सकते हैं सो द ग्रेटर द सैंपल साइज द बेटर द एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन परामीटर ये भी बिल्कुल उसी तरह एग्जाम्पल है कि अब हमने टू टू के सैम्पल निकालने के बजाय हमने सपोज करें दिस इज अ टोटल पॉपुलेशन ये हमारी टू फोर सिक्स एट हमारी पॉपुलेशन है और इसमें से हमने ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज टू निकाले हैं तो अगर हमने फोर में से टू के पॉसिबल सैंपल्स निकालने हैं तो मैक्सिमम सैंपल ऑल पॉसिबल हमारे सिक्सटीन बनेंगे सो so सिक्सटीन अगर सैंपल्स बनेंगे तो हर सैंपल की मीन डिफरेंट आएगी जैसा कि आपने देखा है कि ये पहला और दूसरा ये दो दो के सैंपल बनाए हैं और ये उनका हमने मीन कैलकुलेट किया है और ये हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन और फिर हमने उसको वैसे ही प्लॉट कर दिया जैसा मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया कि कितनी दफा रिपीट हुआ है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी वी विल प्लॉट द स्टेटिस्टिक और मीन वट एवर वी हैव कैलकुलेटेड और फिर हम उसको कर सकते हैं हेयर वी हैव अ एग्जाम्पल वी कैन यूज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स टू आंसर प्रॉबिबिलिटी क्वेश्चन अबाउट सैम्पल मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ सैम्पल ऑफ एंड टू स्कोर्स फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन वट इज़ द प्रोबिलिटी ऑफ अपटेनिंग अ सैम्पल मीन ग्रेटर दैन सेवन मैंने बात की है कि जब हम एन साइज बड़ा करते जाते हैं तो फिर हमें नॉर्मल से ही हर चीज़ का अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाके ही टेस्टिंग हाइपोथेसिस भी करनी पड़ती है और प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट करनी पड़ती हैं सो so, इसके अंदर एग्जांपल दी हुई है अगेन कि अगर आपने साम्पल टू टू के लिया है स्कोर्स फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन तो क्या प्रॉबीबिलिटी है वो अ साम्पल मीन ग्रेटर देन सेवन अब सेवन से ग्रेटर अगर आप देखें तो ये एक ही ऑप्शन बचती है जो कि आर्ट्स जो है वो उसकी प्रॉबलिटी कैलकुलेट की हुई है सो दिस इज एक्चुअली वन बाई सिक्सटीन क्यों क्योंकि ऑप्टेनिंग अ सैम्पल मीन ग्रेटर देन सेवन देर इज ओनली वन पॉसिबल ऑप्शन और वन पॉसिबल आउट जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पीछे जो सैप्लिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है अकॉर्डिंग टू दैट सो वी कैन कैलकुलेट द प्रोबिलिटी क्वेश्चन ऑल्सो बाय लुकिंग एट द सपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसमें किसी भी सैम्पल के मीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है